नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे होंगे मंगरा भाई को, समझ गए होंगे क्यों नहीं है, आप ही के लिए जानकारी इकट्ठे करने गए हैं। जी हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कृषि समाचार, जिसका आपको बेहद इंतजार रहता है क्योंकि कृषि से संबंधित जानकारी जिससे मिल जाती है। आइए देखें कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सिंगल विंडो सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन। मदर डेयरी अगले 15 दिनों में किसानों को प्रति लीटर 1 से 2 रुपए तक अधिक भुगतान करेगी। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CP4। अब समाचार विस्तार से। दूध की आपूर्ति और दूध उत्पाद तैयार करने वाली कंपनी मदर डेयरी अगले 15 दिनों में किसानों को दूध की उपलब्धता के बदले अधिक भुगतान करेगी। यह अधिक भुगतान 1 से 2 रुपए प्रति लीटर तक होगी। वर्तमान में किसानों को प्रति लीटर 38.50 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो 2 हफ्ते पहले 37 रुपए से 37.50 रुपए था। कंपनी के मुताबिक 15 दिनों बाद किसानों को 39.50 रुपए प्रति लीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। बीते दिनों जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के गेतलसूद स्थित किसान सिंगल विंडो सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मैं राज्य सरकारों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी चमचमाती धूप में भी, ऐसी गर्मी में भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी गांवों में गए, राजनेता गांवों में गए, गांवों में कार्यक्रमों की भरमार बनी रही और गांव को आगे बढ़ाने का एक माहौल गांव के भीतर पैदा हुआ और अपने बलबूते पर अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के आधार पर गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हिंदुस्तान भर में नजर आ रहा है। फसल में खाद डालने के लिए हम खेत में खाद का भुरकाव करते हैं। यह पारंपरिक तरीका है और इससे खाद की खपत ज्यादा होती है। कम खाद के व्यवहार से ज्यादा उपज लेने के लिए किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक का सहारा ले। ड्रिप इरिगेशन वाले पानी की टंकी में जरूरत के मुताबिक खाद को घोल दिया जाता है। इससे खाद पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। टीकाकरण की तरह खाद का उपयोग होता है। पारंपरिक विधि में जरूरत से ज्यादा खाद लगता है, जबकि इस तकनीक में खाद की बचत होती है। देखिए किसान भाइयों, हम लोग जो अभी पुराने जमाने में जो खाद डाल रहे हैं, मतलब हमारा जो पारंपरिक तरीका है खाद डालने का, वो है हम मिट्टी जो घमेला है या पतीला है उसमें हम वो लेके फर्टिलाइजर लेके भुरभुराते हैं। उसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजर दे दिया उसके बाद जब हम पानी देते हैं क्यारी से, तो वो खाद उस पानी में घुल के नीचे चला जाता है जहाँ तक पौधे का जड़ भी नहीं है। तो उस केस में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान खाद का हो जाता है। और वही हम अगर ड्रिप सिस्टम से देते हैं तो जैसे जैसे पौधे का ज़रूरत होगा वैसे वैसे हम हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद हम खाद वो वेंचुरी सिस्टम से छोड़ के पूरे सिस्टम में हम खाद, जैसे ही आदमी को टीका लगता है वैसे ही पौधे को हम खाद दे सकते हैं। जैसे पौधे का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम खाद दे के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसमें ले सकते हैं। किसान भाई, आप यदि खरीफ के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं तो जून से जुलाई तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और बीज के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए झाड़ीदार बोदी के उन्नत प्रभेदों में CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
जो किसान टांड जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अपने खेतों में निकोनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में सफेद मक्खी कीट को रासायनिक दवाइयों के बिना कैसे रोकें। टमाटर फसल में फल लगते ही फल मक्खी कीट का हमला शुरू हो जाता है। किसान टमाटर फसल को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए टमाटर के हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2150 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1990 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 11600 रुपए से 13200 रुपए, दाल मसूर 9160 रुपए से 9400 रुपए, दाल चना 6190 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 9490 रुपए से 10600 रुपए, चीनी 3390 रुपए से 3890 रुपए, आलू 1150 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1290 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहर। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बारी के बारे में। समझ गए इशारा हमारा? छोटा सा लेंगे एक विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में हरे हरे पेड़ पौधे अगर नजर आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? तो अगर देखकर ही अच्छा लगता है तो खाकर कितना अच्छा लगता होगा। तो हरी हरी साग सब्जियाँ सचमुच गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, देख कर भी खा कर भी। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गर्मा लत्तेदार सब्जियों में टपक विधि से सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो आइए लीजिए जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो है गर्मा लत्तेदार सब्जियों में टपक विधि से सिंचाई प्रबंधन। और इस विषय पर आपको जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ धनंजय सर। जैसा कि हम अपने किसान भाइयों से बात कर रहे हैं कि गर्मा में जो लत्तेदार सब्जी वो लगाएंगे हमारे किसान भाई, उसमें टपक विधि के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि टपक विधि सिंचाई है क्या? किसान भाइयों, एक अभी जो है एक तो कि बारिश कम होते जा रहा है, पानी की कमी होते जा रहा है, तो हमको कम पानी में कौन सा इस तरह का तकनीक का
उपयोग करें, प्रयोग करें खेती में, जिससे कि कम पानी में उत्पादन ज़्यादा हो। तो एक नई तकनीक है टपक सिंचाई, जो बूंद बूंद सिंचाई भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो इस माध्यम से जब हम सिंचाई करते हैं तो इसमें जो है पानी का बचत होता है, लेबर का बचत होता है, साथ साथ उत्पादन ज़्यादा मिलता है और कुछ जो है घास का समस्या भी कम होता है, क्योंकि पानी जो है हम जड़ के आसपास ही देते हैं जिससे कि घास कम होता है। सर, आपने टपक सिंचाई के बारे में तो बता ही, उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को इसे अपनाने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, जो परंपरागत ढंग से जब खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब जितनी भी लत्तीदार सब्जी हैं, जो गर्मा फसल है जिसको बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में खीरा है, झींगी है, नेनुआ है, करेला है, कोहड़ा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब लत्तीदार सब्जी में आते हैं और इनका जो है गर्मी के दिनों में मांग ज़्यादा होता है। और ये फसल को गर्मा में जब हम लगाते हैं तो उस समय पानी का, क्योंकि गर्मी में जैसे कि झारखंड की जब बात करते हैं तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पानी का दिक्कत गर्मी के दिनों में है। इस समय हमको इस फसल को उत्पादन भी करना है और पानी भी कम है, तो इस तरह का कोई नई तकनीक का हम प्रयोग अपने खेत में करें जिससे कि हमारा पानी का बचत हो। तो उस तकनीक में जो है यह टपक सिंचाई है, क्योंकि टपक सिंचाई में क्या होता है कि जब हम पूरे खेत में जब सिंचाई प्रारंभ करते हैं तो किसान भाई देखे होंगे कि जब आप नाली विधि के द्वारा जब सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप मोटर चालू किए, मशीन चालू किए और उसमें नाली के द्वारा पानी आता है। किसी कारणवश हमारा जैसे कि मशीन बंद हो गया, चाहे बिजली के कारण या डीजल के कमी के कारण या आपको समय नहीं उस कारण बंद हो जाता है, तो फिर जब हम दोबारा पानी शुरू करते हैं तो वही नाली के द्वारा पुनः हमारा पानी आता है। तो नाली में पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। और टपक सिंचाई में क्या होता है कि टपक सिंचाई में हमारे पाइप के द्वारा जो है बूंद बूंद सिंचाई होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके कुआं में जैसे कि आधा घंटा भी प्रतिदिन अगर पानी है मोटर चलाने भर, तो आप आधा घंटा में एक एकड़ खेती कर सकते हैं, जबकि परंपरागत ढंग से जब आप खेती करेंगे तो आधा घंटा में हम समझते हैं कि 5 से 10 डिसमिल ज़मीन भी आपका सिंचाई नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि नाली से जब देते हैं तो एक तरफ से हम पानी देते हैं, टपक सिंचाई से जब करते हैं तो एक साथ जब हम मोटर चालू करते हैं तो पूरे आधा एकड़ या एक एकड़ जो आपका मशीन का कैपेसिटी होगा उस पर निर्भर करता है। अगर मशीन का कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमारा एक साथ एक बार मोटर जब हम चालू करते हैं तो एक एकड़ में सिंचाई प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन रक्षक जो पानी चाहिए पौधा को, जो जड़ में पानी चाहिए, वह पानी जो है तुरंत 5 मिनट के अंदर में पूरे एक एकड़ खेत में सभी पौधा के जड़ में पानी गिरना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आधा घंटा भी आपके कुआं में, तालाब में या बोरिंग में पानी का है तो आप प्रतिदिन जो है आधा घंटा चला करके पूरे खेत का सिंचाई कर सकते हैं, जबकि परंपरागत ढंग से जो है यह संभव नहीं है। साथ ही सर, हमारे किसान भाई बहुत जगह देखते कि फुहारे से भी पानी पटाते हैं, जब फुहारे से पानी पटाते हैं और टपक विधि में, इसमें क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा लाभदायक है सर, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, जो फुहारा या स्प्रिंकलर जो तकनीक है अनाज वाली फसलों या आपको घास है साग वाली फसलों में प्रयोग करते हैं, लेकिन जितने भी सब्जियां हैं उसमें फवारा विधि या स्प्रिंकलर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो कि उसमें पानी ज़्यादा खपत होता है, क्योंकि पानी पौधा के ऊपर से हम देते हैं और जड़ में पौधा को जड़ में पानी की आवश्यकता है, तब जाकर के पौधा को जमीन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो जब हम पानी ऊपर देते हैं तो पत्ती के ऊपर, उसके बाद नीचे ज़मीन में आता है, तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है। दूसरा क्या है कि सब्जी के फसलों में जब हम पानी ऊपर से देंगे तो जो परागण होता है, पराग होता है, फूल जो खिलता है, तो फूल खिलने के बाद जो अगर हम पानी उसके ऊपर चलाएंगे तो पराग जो है भींग जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा परागण नहीं होगा, तो उससे उत्पादन नहीं होगा। तो सब्जी फसलों में जो है जो फवारा तकनीक है या स्प्रिंकलर तकनीक जो है वह उपयुक्त नहीं है, सब्जी फसलों के लिए टपक सिंचाई ही उपयुक्त है। और साथ ही साथ सर, टपक सिंचाई करते समय हमारे किसान भाइयों को क्या ध्यान देना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए आप। किसान भाइयों, टपक सिंचाई में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारा जो पाइप है उसका रख रखाव सही से हो,
जब आप फसल लगा, फसल आपका समाप्त हो गया है उस समय उसको सही से पाइप को अगर हम मोड़ करके रखते हैं तो उससे क्या होता है कि यह जो आप मतलब 10 से 15 साल तक आपका एक पाइप चलेगा। दूसरा है कि कहीं पर भी थोड़ा सा अगर कट जाए, जैसे किसी कारणवश आप खेत में काम कर रहे हैं या कुछ से कट जाता है, तो आप एक ज्वाइनर आता है 2 रुपया 1.5 से 2 रुपया का आता है, उसको काट करके आप अपने से लगा सकते हैं, किसी को मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बूंद बूंद सिंचाई जहाँ से ड्रिपर पानी बूंद बूंद गिरता है वहाँ पर क्या है कि कभी कभी मिट्टी से जाम हो जाता है, तो उसके लिए कोई उसमें सुई या काटी का प्रयोग नहीं करें छेद खोलने के लिए, सिर्फ आप छोटा सा लकड़ी का एक डंटा ले लें और उसके ऊपर जब हम ठोकेंगे तो उससे क्या है कि उसमें जो मिट्टी का कण जो होगा वह निकल जाएगा। और हमेशा जो है टपक सिंचाई में जो है आपका जो रासायनिक उर्वरक या कुछ भी चलाते हैं तो आपका टपक सिंचाई में जहाँ से मोटर लगा हुआ रहता है उस आसपास जो है एक फिल्टर टंकी होता है या स्क्रीन फिल्टर होता है, उसका भी सफाई आप समय समय पर करते रहे। होता क्या है कि पानी में जो अशुद्धियाँ हैं वह जो है फिल्टर उसको छान करके अपने में अवशोषित करता है, तो जब महीना दो महीना जब हो जाए तो और फिल्टर को भी आप साफ करेंगे, जिससे कि आपका जो है खेत में पानी जो पौधा को ज़्यादा प्राप्त होगा और आपका जो है जो सिस्टम है वह ज़्यादा दिन तक काम करेगा। और चलते चलते सर आप छोटे शब्दों में बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि जो इसे अपनाना चाहेंगे तो उनके लिए क्या लागत आएगी। किसान भाइयों, अभी झारखंड में जो है जो छोटे किसान हैं उनके लिए 90% अनुदान चल रहा है और जो बड़े किसान हैं उनके लिए 75% अनुदान है, तो लगभग जो है एक एकड़ में जो छोटे किसान हैं उनको एक एकड़ में 7,000 रुपया जो है अपना लगेगा और उसके बाद सरकार जो है पूरी लागत लगभग 36 से 37 हज़ार रुपया जो है सरकार दे रही है, अनुदान पर दे रही है। तो उसके लिए क्या है कि 4 कंपनियां जो है झारखंड सरकार रजिस्टर्ड की है, जैन इरीगेशन, नेटाफेम, SRM और दिनेश, इन 4 कंपनियों में से किसी से भी आप अपने खेत में लगवा करके और वह जो है कंपनी का काम है कि वह जो अनुदान वह अपने प्राप्त करेगा, सिर्फ आपको जो है अपना शेयर देना है और ज़मीन से संबंधित जो कागजात होगा देना है। और हम चाहेंगे कि सभी किसान भाई जो झारखंड में सब्जी की खेती करना चाहते हैं वह टपक सिंचाई विधि का प्रयोग अवश्य करें और आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप टपक विधि सिंचाई को अपनाएं, जल जीवन को बचाएं। और सर आपने हमारे कार्यक्रम में आया, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। अच्छी लगी होगी जानकारी, है ना? लेकिन यहाँ भी लेंगे हम एक छोटा सा विराम इससे पहले कि हम दूसरी जानकारी आपको दिलवा दें, तो लेते हैं एक विराम, आप देखिए संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, प्यास तो लगती ही रहती है, पानी तो बचाना ही है, है ना? पानी के साथ साथ अगर गर्मियों में आप बाहर निकले कहीं और मिठास भरी प्यास बुझाने वाली कोई चीज़ मिल जाए तो क्या कहने, है ना? तो आज इसी विषय पर एक जानकारी आपको हम दिलवाने जा रहे हैं। विषय है गन्ना फसल की सामयिक देखभाल के बारे में, तो आइए जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, आज हम अपने इस अंक में चर्चा करेंगे गन्ना की सामयिक देखभाल के बारे में। इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर CS सिंह सर मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो अभी झारखंड प्रदेश में अपने खेतों में गन्ना जो लगा चुके हैं, तो सबसे पहले शुरुआत में उन्हें देखभाल कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, झारखंड राज्य में काफ़ी बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की खेती करते हैं। जो किसान भाई गन्ना लगाते हैं, ज़्यादातर झारखंड में किसान भाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में गन्ने की बुआई कर देते हैं।
हाँ, तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो किसान भाई लगा चुके हैं उसमें चूंकि बरसात के समय में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए चारों तरफ उनको चाहिए कि खेत में ड्रेनेज चैनल निकाल दें, ताकि अगर कभी भी अकस्मात ज़्यादा पानी बरस रहा है तो वो पानी खेत में न लगे, गन्ने के खेत में न लगे, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए पानी का निकासी बहुत ज़रूरी है। साथ में किसान भाइयों को खाद उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था तथा खरपतवार नियंत्रण और बीमारी से किसान भाइयों को खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, खरपतवार जो है हमारे किसान भाइयों के खेतों में बहुत ज़्यादा आ ही गई होंगी, खरपतवार नियंत्रण हमारे किसान भाई अपने गन्ने के खेतों में कैसे करें? खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 45 से 50 दिन पे पहली बार वो खेत की निराई गुड़ाई करें तथा 65 दिन से 70 दिन पे दूसरी बार निराई गुड़ाई करके गन्ने की फसल को वो खरपतवार नियंत्रण उसका कर सकते हैं। किसान भाइयों के खेतों में गन्ना में बहुत सारे बीमारी भी लग सकते हैं, तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बीमारी हैं और उनका क्या क्या उपाय हो सकते हैं? गन्ने की फसल में एक बीमारी आती है जिसमें तना लाल रंग का हो जाता है, तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो रोग निरोधक किस्म है उसका प्रयोग करें। जैसे बियो 147 किस्म है, वो अच्छी उपज देती है और उसमें सुक्रोज की मात्रा भी ज़्यादा है, वो गन्ने की फसल के लिए और यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वो अनुमोदित भी है, उसका वो उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जैसे श्वेत मक्खी है, पायरेलिया है, ये सब कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि इमिडाक्लोरोपिड नामक एक दवा है जो किसान भाई 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसका छिड़काव करेंगे तो इन कीटों से उनको निजात मिल जाएगी और गन्ने की अच्छा उत्पादन उनको प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, जो कीट हमारे खेतों में लग जाएंगे किसान भाइयों खेतों में, तो उनके लक्षण हमारे किसान भाई कैसे पहचान सकते? किसान भाई खेत में लगने पे अगर जैसे आपको बताया रोग वाले की लाल रंग का रोग लगता है तो तना में उनको साफ लाल रंग दिखाई देगा, खासकर पत्तियों में भी लाल कलर उनको दिखाई देगा, तो वो किस्म से उसको पहचान सकते हैं और उसके लिए उसके लिए उनको केवल महत्वपूर्ण जो कुछ प्रभेद हैं जो उसके लिए उपयोग कर सकते हैं वही उनका प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। और जो कीट हैं है ना, जिनके श्वेत मक्खी है, श्वेत मक्खी से क्या कहते हैं उनके पत्तियों पे सिम्टम्स आते हैं, पत्तियों में सबसे पहले सिम्टम्स देख के ही वो पहचान सकते हैं और खेत पे उनको गन्ने की फसल पे वो श्वेत मक्खी दिखाई भी देंगी, तो अगर किसान भाई ध्यान दे रहे हैं तो उस समय बढ़ोतरी होने से पहले ही उसका इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हमारे किसान भाई अपने खेतों में इसे किस वक्त अपने खेतों में डाल सकते हैं? किसान भाई को जैसे मैंने बताया कि जब जिस समय प्रकोप दिखाई दे रहा है, इमिडाक्लोरोपिड बहुत महत्वपूर्ण दवा है और ये तुरंत अगर पैरिला या फिर श्वेत मक्खी या फिर शीर्ष बेधक एक कीट होता है वो अगर तीनों का प्रकोप हो रहा है तो जैसे ही प्रकोप दिखाई दे उस समय अगर इसका छिड़काव कर रहे हैं तो तुरंत ये लाभदायक असर देगा। डॉक्टर साहब, जो खाद हैं हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण खाद हैं? गन्ने की फसल में किसान भाई को चाहिए कि जिस समय वो खेत तैयार कर रहे हैं उस समय उनको चाहिए कि 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट है ना, बुआई के करीब 1 महीना पहले ही खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें तो गन्ने की फसल अच्छी होती है। साथ में किसान भाइयों को चाहिए कि गन्ने की फसल के लिए 170 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास का वो प्रयोग करें। इसके लिए जितना भी स्फूर और पोटास है वो किसान भाई बुआई के समय ही, गन्ने की बुआई के समय ही प्रयोग कर देना चाहिए। जो 170 ग्राम नत्रजन किसान भाइयों को देना है उसका 50 किलोग्राम शुरू में वो बुआई के समय दे सकते हैं तथा बची हुई जो नत्रजन की मात्रा है यानी 60 किलोग्राम उसको दो भाग में बांट के 60 किलोग्राम एक बार जब गन्ने की फसल करीब 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय एक बार प्रयोग करना चाहिए और दूसरा 60 किलोग्राम जून के अंतिम सप्ताह में बरसात हल्की जब बारिश हो जाती है उस समय प्रयोग करना चाहिए। खास ख्याल किसान भाइयों को ये रखना चाहिए कि जब नत्रजन का वो प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय खेत में सिंचाई करके खरपतवार को हटा लेना चाहिए नत्रजन के प्रयोग के पहले, ताकि उसका नत्रजन का अच्छी तरह से पौधे उपयोग कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को गन्ने की सामयिक खेती के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को चूंकि यहाँ झारखंड राज्य में पानी की समस्या है तो गन्ने की फसल में पहली सिंचाई किसान भाई लगाने के बाद 25 दिन के अंतराल पे 25 दिन के बाद कर देनी चाहिए और उसके बाद 20 दिन के अंतराल पे हमेशा पानी देते रहना चाहिए ताकि
उनको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में चूँकि किसान भाई जब लगाते हैं तो 60 क्विंटल तक उनका करीब गन्ने का जो काट के वो उसको लगाते हैं बीज वो लग जाता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसका रेतुनिंग जरूर लें ताकि जब फसल वो हार्वेस्ट कर लेते हैं तो धारदार किसी हथियार से उसको काट दें और उस जो मेढ़ बनाए हुए हैं मेढ़ को डैमेज कर दें, उसमें से फिर से नए कल्ले निकल जाएंगे। तो ये दो बार वो रेतुनिंग से उसी बीज के से वो फसल ले सकते हैं और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है आपको जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, है ना? मिठास भरी ठंडक, है ना, प्यास बुझा दी आपकी। तो चलिए, जानकारी तो हमारे पास ढेरों रहती है, बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन वक्त कम रहता है, तो आज की जानकारी यहीं तक, और अगले अंक में और भी जानकारी हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे। लेकिन फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए ताकि आप अपनी समस्या सुझाव हमें लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।